Today we will discuss about the general journal and how we record transaction in general journal. As we already know about the format of general journal, the first and most important thing, company name, then general journal, and then for the month and जो कि बेसिक है इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने से पहले इन चीज़ों का मालूम होना या इन चीज़ों का रिकॉर्ड करना ज़रूरी है उसके बाद हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स आते हैं जिनमें हमारे पास डेट डिस्क्रिप्शन पोस्ट रेफरेंस डेबिट और क्रेडिट का पोर्शन आता है इसमें हम ये देखते हैं कि ये फॉर्मेट एक मखसूस स्टाइल से बनता है जिसमें पहला पोर्शन रिलेट करता है डेट से दूसरा डिस्क्रिप्शन से तीसरा पोस्ट रेफरेंस है और चौथा डेबिट और पांचवा क्रेडिट से अब यहां जो याद रखने वाली बात है कि डेट का कॉलम एक मखसूस साइज का डिस्क्रिप्शन का कॉलम इन तमाम कॉलम्स के मुकाबले में सबसे बड़ा पोस्ट रेफरेंस का कॉलम नॉर्मल साइज का डेबिट और क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट का फैसला इस बार पे होगा कि कितना अमाउंट हमारे पास आ रहा है यानी अगर बड़ी फिगर्स आ रही हैं या बड़े नंबर्स आ रहे हैं उसका मतलब ये है कि उसी हिसाब से हम इसको मैच करेंगे उसके बाद हमारे पास आता है लेजर अकाउंट्स इन्वॉल्व पहली साइड पे हम हमेशा डेबिट को रिकॉर्ड करते हैं यानी डेबिट के लिए हमने कहा था कि डिस्क्रिप्शन की जो लाइन है वहाँ से स्टार्ट किया जाएगा उसके बाद हम देखते हैं कि सेकेंड क्रेडिट का जब अमाउंट आता है यानी लेजर अकाउंट इन्वॉल्व इन क्रेडिट अमाउंट इन क्रेडिट तो डेबिट क्योंकि इस लाइन से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस रखा जाएगा और उसके बाद क्रेडिट अकाउंट को रिकॉर्ड किया जाएगा उसके बाद आखिर में हमने बात की थी कि जो ट्रांजैक्शन या जो अकाउंट्स हमने इस्तेमाल किए हैं उसकी नरेशन को मेंशन करना है और नरेशन के बारे में हमने कहा था कि इसका मतलब ये है कि आसान तरीन अल्फाज में उस वर्क को या उस एक्टिविटी को बताया जाए कि जो हमने ऊपर परफॉर्म की है या जिसकी वजह से हमने टू डिफरेंट अकाउंट्स को इस्तेमाल किया है उसके बाद हम बात करते हैं अपने जनरलाइजिंग की प्रोसेस को जनरलाइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन में सबसे पहली जो ट्रांजेक्शन हमारे पास आती है वो है कैश इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस जब हम इसको जनरल जनरल में रिकॉर्ड करते हैं तो हम कौन कौन से हेड इस्तेमाल करते हैं इसमें हमारे पास एक कैश का हेड है जो कि डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होता है और साथ साथ कैपिटल का हेड है जो कि क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा इसके लिए हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि हम जब नरेशन की बात करते हैं तो ये सिंपली डिफाइन कीजिए कैश स्टार्ट बिजनेस विथ कैश इन्वेस्टमेंट उसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन जो हमारे पास आती है वो परचेजेज गुड्स फॉर कैश जब परचेजेज गुड्स फॉर कैश की हम बात करते हैं तो जैसा हमने जिक्र किया था कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो वी आर यूजिंग परचेज अकाउंट तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो गया और साथ साथ कैश क्योंकि हमने कैश पे कर दिया है गुड्स की खरीदारी के लिए तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया और अगेन निरेशन में हमने परचेज गुड्स फॉर कैश को मेंशन कर दिया तीसरे नंबर पे जो ट्रांजैक्शन हमारे सामने आती है वो है परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट और ऑन अकाउंट या कुछ भी मेंशन ना हो लेकिन ये जरूर हो कि कोर्स परचेज जो है वो खरीदी गई हैं अगर उसके बारे में ये मेंशन नहीं है कि फॉर कैश का जिक्र नहीं है तो उसका मतलब ये है कि वो क्रेडिट पर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई है जब हम इसके जनरल जनरल की ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि परचेजेस का अकाउंट डेबिट होता है और अकाउंट पेबल के साथ हम सप्लायर नेम को मेंशन करते हैं कि जिससे हमने सामान लिया है जिसको हमने पेमेंट करनी है और उसको रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड के ऊपर और हम मेंशन कर देते हैं परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट और ऑन अकाउंट यहाँ पर ख्याल रखना है कि अगर फॉर क्रेडिट लिखा हुआ है तो हम फॉर क्रेडिट लिखेंगे और ऑन अकाउंट लिखा हुआ है तो और अकाउंट को मैंशन किया जाएगा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास आती है परचेज फर्नीचर फॉर कैश जब हम फर्नीचर की बात करते हैं तो हम हमेशा क्या मेंशन करते हैं फर्नीचर को डेबिट करते हैं क्योंकि फर्नीचर हमारे पास आया और उसके बदले में कैश हमारी जेब से किया तो हमने मेंशन कर दिया कैश को क्रेडिट साइड पे, और जो ट्रांजैक्शन हमने पास की वो है परचेज फर्नीचर फॉर कैश उसके बाद पांचवी ट्रांजेक्शन हमारे पास आती है परचेज फर्नीचर फॉर क्रेडिट और ऑन अकाउंट सेम केस के और फॉर क्रेडिट लिखा हुआ है ऑन अकाउंट लिखा हुआ है या सिंपली लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर रुपीज़ और अमाउंट और उसमें ये मैंशन नहीं है कि फॉर कैश है या फॉर क्रेडिट है या ऑन अकाउंट है तो उसका मतलब है कि वो ट्रांजेक्शन जो है क्रेडिट पे ही रिकॉर्ड की जाएगी तो उसके लिए हमारे पास जो ट्रांजेक्शन बनती है वो क्या है फर्नीचर को डेबिट किया हुआ है और अकाउंट पेबल अगेन द सप्लायर नेम जो है वो क्रेडिट हुआ हुआ अगर हम देखते हैं कि जब हम परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट करते थे तो हम फर्नीचर की जगह पे परचेज कवर्ड इस्तेमाल करते थे लेकिन यहाँ पर हमने क्योंकि फर्नीचर को परचेज के आधार पे तो हमने मेंशन किया फर्नीचर डेबिट बट अकाउंट पेबल का जो अकाउंट है सप्लायर नेम के साथ उसको क्रेडिट कर दिया तो ये जो ट्रांजेक्शन कराएगी हमारी ट्रांजेक्शन नंबर फाइव कहलाएगी जिसका ताल्लुक पाँचवीं ट्रांजेक्शन से अब हम देखते हैं कि जब हम इन ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली जनरल जनरल में रिकॉर्ड करेंगे तो उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे सबसे पहले हमारे पास कंपनी नेम जनरल जनरल और फॉर द मंथ एंडिट जो कि टॉप हेडिंग हमारे पास है जिसका मेंशन किया जाना जरूरी है उसके बाद डेट डिस्क्रिप्शन पोस्ट रेफरेंस डेबिट एंड क्रेडिट जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था ये पाँचों हेड आपके पास मौजूद होंगे उसके बाद नेक्स्ट पहली ट्रांजेक्शन के हिसाब से कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट का पोर्शन आपके पास आ गया दूसरी ट्रांजेक्शन में परचेजेस यानी परचेज गुड्स फॉर पर कैश परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट तीसरे नंबर पे परचेजेस डेबिट अकाउंट पे क्रेडिट यानी परचेज गुड्स फॉर पर क्रेडिट और ऑन अकाउंट उसके बाद नंबर फोर पे हमारे पास परचेजेस डेबिट हमने फर्नीचर को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया और नरेशन हमें ये बता रही है कि हमने फर्नीचर परचेज किया था कैश पे तो हमने उसको यहाँ रिकॉर्ड किया नंबर फाइव पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है परचेजेस फर्नीचर ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट तो फर्नीचर क्योंकि हमारे पास आ चुका है लेकिन हमने अभी तक पेमेंट नहीं की है तो सप्लायर नेम के साथ हमने उसको क्रेडिट साइड पे मेंशन कर दिया ये इसका ही बेसिक फॉर्म है जब हम जनरल जनरल में इसको रिकॉर्ड करेंगे अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की जो कि जनरलाइजिंग प्रोसेस का ही हिस्सा है जिसमें नंबर सिक्स पे हमारे पास है सोल गुड्स फॉर कैश यानी हमने सामान खरीदा सामान सॉरी बेचा कैश के ऊपर तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास है सामान चला गया और उसके बदले कैश हमारे पास आया जब हम इसकी जनरल ट्रांजेक्शन की बात करें हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि कैश हमारे पास आया है तो हमने कैश को डेबिट कर दिया और जो गुड्स हमने सेल्स की हैं उसको हमने क्रेडिट कर दिया यानी गुड्स सोल्ड फॉर कैश हमारे पास रिकॉर्डिंग आ गई नंबर सेवन ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स फॉर क्रेडिट और ऑन अकाउंट सेम प्रोसेस जैसे कि हमने परचेस में रिकॉर्ड किया था लेकिन ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी वो क्या है कि अकाउंट रिसीवेबल में कस्टमर नेम जिससे हमने पैसा वसूल करना है या जिससे हमने पैसा लेना है उसको हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया और सेल्स को हमने रिकॉर्ड कर दिया क्रेडिट साइड पे कि सामान हमारे पास से चला गया और नरेशन में हमने लिख दिया गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट और ऑन अकाउंट उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास आती है सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश यानी हमने फर्नीचर बेचा कैश पे जब हम इसकी ट्रांजेक्शन की बात करेंगे तो कैश हमारे पास से आया और हमारे पास से फर्नीचर चला गया तो हम उसको मेंशन करेंगे क्रेडिट साइड के ऊपर तो ये हमारे पास रिकॉर्ड हो जाएगा और हम मेंशन कर देंगे नरेशन में सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जब हम बात करते हैं सोल्ड फर्नीचर फॉर क्रेडिट और ऑन अकाउंट सेम वे में अकाउंट रिसीवेबल कस्टमर नेम जिसको हमने बेचा है उसका नाम आ जाएगा कि उससे पैसे लेने हैं तो ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड आ जाएगा और फर्नीचर क्योंकि हमारे पास से चला गया है तो हम उसको कर देंगे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आती है वो पेमेंट अगेंस्ट एक्सपेंस यानी पेमेंट खर्चे के बहाव पर या जो खर्चा हमसे हुआ या जो अखराजात हुए उसके अगेंस्ट में पेमेंट की गई जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो हम एक्सपेंस अकाउंट को हमेशा डेबिट करते हैं और क्योंकि उसके बदले में कैश की पेमेंट की जाती है तो यहाँ पर कैश को क्रेडिट किया जाएगा यहाँ याद रखने वाली बात है कि तमाम तरह के जो एक्सपेंसेस हैं वो हमेशा रिकॉर्ड होते हैं डेबिट साइड के ऊपर डेबिट साइड पे एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाता है और उसके अगेंस्ट में यकीन पेमेंट होती है इन फॉर्म ऑफ कैश तो उसको हमेशा क्रेडिट किया जाता है उसके बाद जो बेसिक ट्रांजेक्शंस हमारे पास बनती हैं उसकी आखिरी ट्रांजेक्शन जो आती है वो है विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़ अब विदड्रॉ का मतलब निकलवाना है कैश निकलवाया फॉर पर्सनल यूज़ यानी जतीी इस्तेमाल के जब हमने कोई पैसा निकलवाया तो हम उसको किस तरह रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग ये कहती है कि जब भी पैसा पर्सनल यूज़ के लिए विदड्रॉ किया जाएगा तो उसके लिए हम हमेशा ड्राइंग अकाउंट को डैबर्ट करेंगे याद रखिएगा याद कि पर्सनल यूज का वर्ड इस्तेमाल होगा तो ड्राइंग डेबिट होगा अगर ये कहता है कि विदड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज तो फिर उस सूरत में कैश डेबिट हो रहा है और जहां से पैसा लिया जा रहा है वो क्रेडिट होगा तो ड्राइंग डेबिट क्योंकि हमने पर्सनल यूज के लिए लिया है और कैश क्रेडिट और आखिर में नरेशन हम मैंशन कर देंगे विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज अब हम इन तमाम ट्रांजेक्शंस को एक प्रॉपर फॉर्मेट में देख लेते हैं कि जनरजन में किस तरह रिकॉर्ड करेंगे नंबर सिक्स हमारे पास सोल्ड गुड्स जिसमें हमने कहा कि गुड्स सोल्ड की गई हैं कैश के ऊपर तो हमने मैंशन कर दिया कैश और सेल्स डेबिट और क्रेडिट अकाउंट एंड मैंशन किया साथ साथ सोल्ड गुड्स फॉर कैश सेवन ट्रांजेक्शन में सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट और ऑन अकाउंट तो अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट डेबिट किया यानी पैसा मिला नहीं है मिलना है या वसूल करना है लेकिन सामान चला गया इसलिए हमने सेल्स को कर दिया क्रेडिट फिर तो उसके बाद कैश और फर्नीचर सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश यानी कैश हमारे पास आ गया और हमारे पास से फर्नीचर चला गया कैश हमारे पास आया एसेट्स की नेचर थी तो हमने इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया फर्नीचर की भी नेचर एसेट की है लेकिन उसमें कमी हुई है तो उसको हमने इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया नंबर नाइन ट्रांजेक्शन में अकाउंट डिसीवेबल कस्टमर नेम और फर्नीचर क्रेडिट किस वजह से कि सोल्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट और ऑन अकाउंट यानी हमने जो फर्नीचर बेचा था वो उधार पर बेचा था सामान चला गया फर्नीचर चला गया हमारे पास से लेकिन उसके बदले में अभी पैसे नहीं आए पैसे जब तक नहीं आएंगे उस वक्त हम अकाउंट अकाउंट के को अपने पास डेबिट रखेंगे उसके ट्रांजेक्शन नंबर टेन जिसमें हमने कहा था कि तमाम तरह एक्सपेंसेस जो हैं पेमेंट अगेंस्ट एक्सपेंस अब ये एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है सैलरीज एक्सपेंस होता है यूटिलिटी एक्सपेंसेस हो सकते हैं और डेप्रिसिएशन हो सकता है किसी भी बिल की पेमेंट हो सकती है तो जितने भी एक्सपेंसेस हमारे पास होते हैं वो सारे डेबिट होते हैं और क्योंकि उसके बदले में हम कैश देते हैं तो हमारा कैश हमेशा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है और लास्ट ट्रांजैक्शन जो हमारे पास आती है कि हमने कहा कि विदड्रॉ कैश फॉर पर पर पर्सनल यूज और पर्सनल यूज के लिए हमने कहा कि ड्राइंग अकाउंट को हमेशा डेबिट किया जाता है और कैश अकाउंट को हमेशा क्रेडिट किया जाए ये बेसिक ट्रांजेक्शन हैं जिसके ब्याह पर या बिजनेस ट्रांजेक्शन में इन ग्यारह ट्रांजेक्शन्स की मौजूदगी हमें ये क्लियर करती है कि हम अपने अकाउंट्स को किस तरह मेंटेन करेंगे दैट्स ऑल फॉर द टू वीडियो इस वीडियो की मदद से हमें यह जानना आसान होगा कि वो 11 बेसिक ट्रांजैक्शंस जो कि हमारी बिजनेस एक्टिविटीज का हिस्सा होती हैं हम उनको किस तरीके से जनरल जनरल में रिकॉर्ड करते हैं थैंक यू वेरी मच